आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फिश फ्राई इसके लिए हमने एक पीस फिश का लिया है इसको दरमियान से हमने कट कर लिया अब हम इसके अंदर जो हमारे घर के मसाले हैं वो हम आम वही इस्तेमाल करेंगे एक चम्मच नमक एक चम्मच सुरख मिर्च एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे चाट मसाला हल्दी पाउडर एक चुटकी हमने ली है अजवाइन और हमने ज़ीरा पाउडर करके आम मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे और एक चाहिए होगा हमें क्रीम का पैकेट और दो चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चार से छः नींबू हम लेंगे इसको काट के इसका जूस निकाल लेंगे लेमन जूस उसके बाद ग्रीन चटनी हरा धनिया पुदीना और, और हरी मिर्च के साथ जो हमने बनाई हुई है घर में और एक हम लेंगे चाट मसाले का मछली फ्राई का पैकेट अब हम मसाला प्रेपरेशन तैयार करेंगे जिसके लिए हमने फ़िश को दो से चार हिस्सों में इसको काट लेंगे जैसे भी आप इसको आसानी से खाना चाहें छोटे छोटे क्यूब्स भी काट सकते हैं हम इसके चार पीस करेंगे अब एक बॉल में हमने क्रीम का पैकेट लिया है उसमें हमने जो तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसको ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे साथ साथ हम इसको चम्मच लत जाएंगे और इसके अंदर दो चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और दो चम्मच हम इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करेंगे दो चम्मच हमने ग्रीन चटनी ऐड कर ली है और हमने चार से छह लेमन का जो हमने जूस निकाला था वो हमने इसके अंदर डाला है अब अच्छी तरह से हमारा जी जो बहुत ही मज़ेदार जो फ़िश को लगाने के लिए हम मसाला रेडी कर रहे हैं घर में हम इस तरह से इसको रेडी करेंगे ये देखें हमने फ़िश को चार क्यूब्स में काट के रखा हुआ है ये जो मसाला है हमारा वो बिल्कुल रेडी है अब हम इसको हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह फ़िश के जो हमने पीसेस किए हुए थे हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह इसके ऊपर ऐसे अच्छी तरह से इसको ऊपर लगा देंगे हाथ से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा हर पूरी फिश के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लग जाएगा ऊपर नीचे से हमने इसको अच्छे तरीके से बाहर की जो लेयर है उसके ऊपर भी और जैसे इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है टोटल मसाला इसके ऊपर लगा देना है और इसको दो से चार घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ये देखिए हमारा जो है मसाला जो बिल्कुल लग चुका है और इसको दो घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी का तरीके से मैरिनेट हो जाए दो घंटे के बाद हमने इसको देखिए निकाला है बहुत अच्छे तरीके से हमारी फ़िश के अंदर मसाला लग चुका हुआ है अब इसको हम एक पैन में ऑयल गरम कर लिया हुआ है हमने अब इसके अंदर हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे याद रखे जो हमारी जो फिश की जो लेयर होती है ऊपर जो स्किन होती है वो हमारी ऊपर वाली जगह पे हो ताकि नीचे से वो अच्छे तरीके से ये देखिए हमने ये जो स्किन है वो ऊपर है इसकी अगर हम इसको नीचे करेंगे तो वो जल जाएगी सारी तो इसको कवर करने के लिए हमने इसको पहले नीचे से पकाएंगे फिर इसको थोड़ी देर के बाद पाँच से दस मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ये तकरीबन बीस मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से फ़्राई करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी ज़रा सी भी स्मेल नहीं रहेगी तो नहीं। ये देखिए हमने इसको साइड को चेंज कर दिए अब इसका लुक चेक करें और बहुत ही मजेदार फ्रिश रेडी है